मित्रों जय माता दी, आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। धर्म शिक्षा में हर रविवार को जैसे मैं आपके प्रश्नों का उत्तर लेकर आता हूं, फिर से आज रविवार है, फिर से मैं हाजिर हूं आपके इस हफ्ते के जितने भी प्रश्न थे उन सबका उत्तर लेके। उम्मीद है आपको हर रविवार की तरह ये कार्यक्रम भी पसंद आएगा। तो आइए जानते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न किन के तरफ से है। जी, पहला प्रश्न है भारत शर्मा जी का। ये पूछते हैं कि काल सर्प दोष का निवारण क्या है, और इन्हें किसी पंडित ने बता दिए, कोई पंडित जी ने बताया है कि इसमें बहुत सारे खर्च आते हैं और इनके बेटे के कुंडली में काल सर्प दोष है, तो क्या गरीब लोग अपने काल सर्प दोष का निवारण नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं? इसका उत्तर आप दीजिए। जी बिल्कुल, जो गरीब लोग हैं वो भी काल सर्प दोष के निवारण के लिए पूजा पाठ कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं वो आपको बताता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ बताना चाहूँगा काल सर्प दोष क्या होता है। काल सर्प दोष होता है जब आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की स्थिति एक न एक कुछ ना कुछ होती है। अब जब राहु और केतु दोनों आमने सामने आते हैं कुंडली में और उनके बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं एक लाइन से, तो ऐसे में बनता है काल सर्प दोष का योग। अब ऐसे में अगर किन्हीं को बन गया तो उससे क्या नुकसान होता है? कभी कभी जान पे भी नुकसान आ सकती है, या कम है प्रभाव तो क्या होगा, जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो दोनों ही सूरत में यह बहुत ही खतरनाक है और अच्छा नहीं माना जाता। तो इसके निवारण के लिए क्या उपाय करें, क्योंकि अगर हो गया है तो उसमें जातक की कोई गलती तो है नहीं, तो उनको करना क्या चाहिए, तो आइए जानते हैं। देखिए, मंगलवार और शनिवार के दिन आपको लेना है 5 पीपल के पत्ते। पीपल के पत्ते कैसे, वो कहीं से खाए हुए नहीं हो जाए, अक्सर कीट पतंगे वगैरह पीपल के पत्ते को खा जाते हैं। संपूर्ण पीपल का पत्ता होना चाहिए, डंडी लगी हुई होनी चाहिए। आपको लेना है हल्दी, हल्दी से उसमें ओम नमः शिवाय लिखना है। सारे पीपल के पत्ते में जो उसका सीधा भाग रहता है, यानी कि जो सामने वाला भाग होता है, उस पर लिखना है ओम नमः शिवाय। अगर बहुत ज़्यादा क्लियर ना दिखे आपका लिखा हुआ ओम नमः शिवाय, फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है। और ये जो 5 पीपल के पत्ते पर आपने ओम नमः शिवाय लिखा है, इसे किसी शिवलिंग पर चढ़ा देना है और इकट्ठा करके रखना है। इसे बहती जल धारा में ही प्रवाहित करनी है। जहाँ मंदिर में अगर आप चाहते हैं तो मंदिर में भी शाम में जब पुजारी जी वहाँ से निर्माल वगैरह उठाते हैं, तो जो पीपल के पत्ते आपने चढ़ाए थे ध्यान से वहाँ से ले आइए। और अगर आपके आसपास में कोई नदी या तालाब वगैरह नहीं है, ऐसा बहती जलधारा नहीं है, नहर वगैरह, तो इसे इकट्ठा करके रखिए। जब भी आपका जाना हो कहीं पे तो आपको ये वहाँ विसर्जित कर देना है। और मंगलवार शनिवार करते जाइए इसको। एक तो ये कर सकते हैं आप, दूसरा आप कर सकते हैं एकादशी या पूर्णिमासी, इन दोनों में से किसी एक का व्रत कर सकते हैं, दोनों कीजिए। वरना कम से कम एक तो करिए, एकादशी करिए। एकादशी में क्या कीजिए आप, व्रत दिन भर रहा आपने, और शाम के समय में जब चंद्रमा उदित हो जाते हैं उस समय में चंद्रमा की रोशनी के नीचे, मतलब जहाँ भी बैठ के आप पूजा करेंगे वहाँ पे आपकी चंद्रमा की रोशनी आनी चाहिए, और वहाँ पे आप जाप कीजिए विष्णु सहस्त्र नाम का। इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है काल सर्प दोष में। अब तीसरा उपाय क्या है, मैं हमेशा आपको वीडियो में बताते रहता हूँ कि इष्ट देव और कुल देवी हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। इष्ट देव कौन, जिनको भी आप अपने दिल से जिस भगवान को भी ज़्यादा मानते हैं वो आपके इष्ट देव। अब इष्ट देव की पूजा करना चाहिए आपको, और उनसे ये कहना चाहिए कि भगवान आप या जो भी माता हैं, तो माता आप हमारी इस दिक्कत को हरिए, हमारे कुंडली में काल सर्प दोष है और इनके निवारण के लिए आप कुछ कीजिए, आपसे बढ़ के कुछ नहीं है दुनिया में। ऐसी भावना रखते हुए उनकी पूजा अर्चना करते जाइए, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है आप ये तीनों में से एक भी करेंगे, तीनों करें और भी बेहतर। जी अब दूसरा प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है मधु बाला जी का। ये पूछती है पूजा सुबह में करना अच्छा होता है या शाम में, और अपने घर में मतलब घर के मंदिर में कौन कौन से भगवान को रख सकते हैं, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, गणेश भगवान, कौन कौन से भगवान को रखना अच्छा होता है? तो मधुबाला जी का प्रश्न है ना। मधुबाला जी देखिए, पूजा शाम में करनी चाहिए या सुबह में करनी चाहिए, यह निर्भर करता है आप किस पर्पस के लिए पूजा कर रहे हैं, किस भगवान की कर रहे हैं, उन पे निर्भर करता है। जैसे सारी जितनी भी पूजाएं होती है वो सुबह में उत्तम होती है, लेकिन जब
पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो उनकी पूजा करने का प्रदोष काल अर्थात शाम का जो समय होता है दिन और रात्रि का मिलने का, वो समय उत्तम होता है। तो और कभी कभी मुहूर्त भी होता है, जैसे किसी विशेष उपलक्ष्य पे मुहूर्त होता है उस समय पूजा करने का विशेष महत्व है। तो ये ऐसे नहीं कह सकता मैं या कोई भी कि सुबह में करना उत्तम होता है या शाम में करना उत्तम होता है। हाँ, लेकिन आपकी जो दैनिक पूजा है वो आप सुबह में ही नहा धोकर जितने सुबह हो पाए उतने सुबह कीजिए, सूर्योदय के समय कीजिए, अति उत्तम। और दूसरा आपने प्रश्न पूछा यहाँ पे कि मंदिर में कौन से भगवान को रख सकते हैं, तो मंदिर में आप सारे भगवान का एक एक फोटो या मूर्ति रखिए। आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं सारे भगवान को, सबकी पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मतभेद नहीं है। किसी भगवान की आप पूजा करें तो इससे कोई दूसरे भगवान नाराज नहीं होते कभी भी, तो आपकी मर्जी और श्रद्धा के ऊपर है और आपके पूजा स्थल के स्थान के ऊपर है, जगह के ऊपर है, कितना भगवान उसमें आ सकते हैं इन सब पे निर्भर करता है, आपकी मर्जी पे पूरा पर निर्भर है। गणेश जी जरूर रखें और साथ ही जो जो भगवान को आपके प्रति ज़्यादा श्रद्धा है आपकी, उनकी फोटो मूर्ति जो भी संभव हो निश्चित तौर पर रखें जी। सभ्यता जी पूछती हैं कि उनका ये पहला चौथ करवा चौथ है और यह करना उनके लिए अच्छा रहेगा या नहीं। अच्छा, आपका पहला करवा चौथ है तो आप बिल्कुल रख सकती हैं। करवा चौथ में कोई ऐसा नहीं होता कि इस साल से ही करवा चौथ का व्रत आरंभ करना है या अगले साल से करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब शादी हो जाए, शादी के बाद जो पहला करवा चौथ पड़े तभी से करवा चौथ का व्रत आरंभ करना चाहिए। इसमें कोई और मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, करवा चौथ अपने आप में एक संपूर्ण मुहूर्त और पर्व है, इसमें और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आप रख सकती हैं अपना पहला करवा चौथ, भगवान करे आपको इसमें शक्ति मिले और अच्छे से आप व्रत ये कर पाए जी। ममता जी नारा जी पूछते हैं प्रदोष व्रत क्या है और इसका विस्तृत थोड़ा सा आप जानकारी दे दीजिए उन्हें। प्रदोष व्रत जो स्त्रियां होती हैं या पुरुष होते हैं कोई भी रख सकते हैं, और ये रखते हैं अपने बच्चे के लिए, पति के लिए, किन्हीं ना किन्हीं के लिए एक विशेष प्रयोजन से रखते हैं लोग, और पहले से इसका बोल के भी रखते हैं कि हम प्रदोष व्रत करने जा रहे हैं, तो अपने मन में सोच के रखते हैं सर हमें इस तरह का प्रभाव मिलना चाहिए, और पूरे श्रद्धा के साथ माँ पार्वती और भगवान शिव की इसमें पूजा होती है तो प्रदोष व्रत तो इस कारण किया जाता है। अब एक प्रश्न यह उठता है यहाँ पे कि प्रदोष व्रत जो है वो साल में कब आरंभ किया जा सकता है। प्रदोष व्रत जो है वो साल में आरंभ करते हैं हम सावन में करें अति उत्तम, क्योंकि भगवान शिव से संबंधित है। नहीं सावन में कर पाए तो अघन मास में करें तो भी अच्छा है, नहीं अघन में कर पाए तो कार्तिक मास में कर पाए तो भी उत्तम है। और ये जो व्रत होता है वो होता है त्रयोदशी तिथि को, त्रयोदशी तिथि शुक्ल पक्ष के और कृष्ण पक्ष के दोनों में आती है, दोनों का जो त्रयोदशी तिथि होता है वो महीने में मतलब कि दो बार प्रदोष व्रत हो जाता है, तो दोनों व्रत करनी चाहिए। मंथ मैंने बता दिया कौन सा माह रहेगा, इन तीनों माह में कर सकते हैं आरंभ जी। सारू भोगल जी पूछ रही हैं कि ये लक्ष्मी वैभव का पूजा करना चाहती हैं तो ये व्रत कब से करें और कब से नहीं करें, कब से करना अच्छा रहेगा, इनके लिए ये उचित रहेगा या नहीं। वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाह रही हैं तो वैभव लक्ष्मी का जो व्रत होता है वो आरंभ किया जाता है, हर महीने में नहीं कर सकते इसको। कौन कौन से महीने में नहीं कर सकते, जैसे कि पूष माह में नहीं कर सकते, भादव मास में नहीं कर सकते, या फिर अधिक मास भी होता है किसी किसी साल में, इन तीनों मास में नहीं कर सकते, बाकी आप कभी भी आरंभ कर सकते हैं वैभव लक्ष्मी का। और कार्तिक मास, आश्विन मास, अघन मास, इन सब में करना उत्तम होता है। अब जैसे मास में वैभव लक्ष्मी का जो व्रत होता है वो शुक्रवार को ही आता है, तो एक माह में साधारणतः चार शुक्रवार पड़ते हैं, तो सवाल यह उठता है कि किस से शुक्रवार से करें। पहले शुक्रवार से भी कर सकते हैं, लेकिन उत्तम जो होता है वो होता है जैसे कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष होता है, तो शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से यह व्रत आरंभ कर सकते हैं वैभव लक्ष्मी का। और जब व्रत हम आरंभ करते हैं उससे पहले हमारे मन में होना चाहिए कि हमें 11 वैभव लक्ष्मी का व्रत करना है, 21 करना है, 51 करना है, और हमारे मन में क्या है हम अपने मन में पहले से सोच लेते हैं माँ लक्ष्मी से जो भी मांगना होता है हमें, और हम उसके बाद यह व्रत आरंभ करते हैं। इस व्रत को आरंभ करने के लिए पहले दिन ही आपको संकल्प भी लेना पड़ता है, किसी पास के मंदिर में आप चले जाएं जिस दिन भी आपको करना है, जैसे कार्तिक का शुक्ल पक्ष का पहला शुक्रवार,
आपको आज से व्रत करना है, आप उसी दिन सुबह सुबह मंदिर चले जाइए। मंदिर में पंडित जी को बोलिए कि हमें आप संकल्प करा दीजिए, मैंने 21, 11, 51 जितनी भी आपके मन में है उतना बोलिए कि मैं इतना शुक्रवार का व्रत रखूँगी वैभव लक्ष्मी का, तो आप इनका हमें संकल्प करा दीजिए। तो पंडित जी आपको संकल्प करा देंगे, उसके बाद से उसी दिन से आप व्रत को आरंभ कर सकते हैं जी। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न करणप्रीत जी का है, वे पूछते हैं बॉयज भी करवा चौथ के व्रत कर सकते हैं या नहीं। देखिए अगर आपको व्रत रखना है तो रखिए, कोई बात नहीं, आपके स्वास्थ्य के लिए भी व्रत रखना अच्छा रहेगा, या कभी कभी पत्नियों को दिखाना भी होता है कि चलो हमने आपके लिए भी रख लिया तो भी ठीक है, लेकिन ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। व्रत करने के लिए और भी बहुत सारे दिन हैं, उस दिन में व्रत रखिए। इसमें ये जो त्यौहार है ये सुहागिन स्त्रियों का त्यौहार है, ना कि शादीशुदा मर्दों का, तो आपके लिए बहुत सारे और व्रत पूजा वगैरह है भी, आप उसकी चिंता ना करें। करवा चौथ स्त्रियों के लिए रहने दें, ये स्त्रियों का ही त्यौहार है जी। दीपिका वर्मा जी पूछती हैं कि हर आरती में शिवानंद स्वामी क्यों कहा जाता है। जी बहुत अच्छा प्रश्न है दीपिका वर्मा जी का। शिवानंद स्वामी जी ने आरतियों की रचना की थी, क्यों की थी? क्योंकि पहले क्या था, पहले मैं बता देता हूँ शिवानंद स्वामी हैं कौन। शिवानंद स्वामी एक संत हुए थे, इनका जन्म गुजरात में हुआ था और ये हुआ था 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच में। सही से किन्हीं को इनका जन्म का तिथि पता नहीं है अभी। और ये बहुत ही सिद्ध ब्राह्मण थे और इन्होंने क्या किया कि जो श्लोक थे पहले भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए, वो एक लिमिटेड लोगों तक ही था, कुछ पंडितों तक ही संस्कृत एक सीमित रह गया था। तो इन्होंने क्या किया, उनका निचोड़ निकाला और उनको हिंदी में लिखा आरती के रूप में चरणबद्ध तरीके से, सारे भगवानों का इन्होंने इस तरह से लिख दिया और बहुत ही पुण्य का काम किया। सभी आजकल आरती के सहारे भी अपनी पूजा अर्चना को संपन्न करते हैं, इसी कारण से इन्होंने रचना की थी। इन्होंने आरती में अंत में जोर भी दिया, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे, या जो भी ये हर आरती में बदलते रहता है, लेकिन कहत शिवानंद स्वामी आपको हर जगह जरूर मिलेगा। हर आरती में जो जो इन्होंने लिखा है उसमें मिलेगा। उसके बाद भी कई लोगों ने आरती लिखी और ठीक इन्हीं के पैटर्न में लिखी, तो इस वजह से शिवानंद स्वामी जी का हर आरती में नाम लिया जाता है जी। आज के प्रश्न इतने ही आपने सिलेक्ट किए थे। अच्छा तो अगले रविवार को फिर से मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ। आपके जीवन भी कुछ अगर इस तरह का प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर लिखें, हम आपका प्रश्न का उत्तर देने का निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे। तो मित्रों इसी तरह देखते रहिए धर्म शिक्षा चैनल को और मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय माता दी, नमस्कार।